Hello students a very good morning to you all today we are going to start design of retaining wall means we are going to study a numerical problem on designing of retaining wall since retaining wall is a very long question designing of retaining wall is very long process so we'll complete this topic in two videos today we are going through part 1 of this in next video we'll be dealing with the remaining part of this design so let's begin we have a problem we have to design a cantilever retaining wall to retain horizontal earthen embankment of height 4 meter above the ground level the earthen backfill is having a density of 18 kN per meter cube and angle of internal friction as 30 degrees the safe bearing capacity of soil is 180 kN per meter cube the coefficient of friction between soil and concrete is 0 0.45 use m20 and fe415 steel so फर्स्टली वील राइट वेवर वी हैव बीन गिवन, वी हैव बीन गिवन एफ 20, के 415, एफ फाइव एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री म्यू 0.45 पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन एंड डेंसिटी ऑफ सॉयल गामा एटीन किलोमीटर पर मीटर क्यूब सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल क्यू नॉट इज आल्सो गिवन 180 एट्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हाइट ऑफ अर्दन इम्बैकमेंट इज फोर मीटर जो हमें अर्दन इम्बैकमेंट बनानी है वो चार मीटर ऊंची बनानी है नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे विल कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ अर्थ इफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के एज वी नो फार्मूला फॉर के इज वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव यू ऑल हैव स्टडीड इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सो हेयर फाइव इज गिवन थर्टी विल पुट इट एंड फाइंड के के की वैल्यू मिली हमें वन अपॉन थ्री फर्दर विल फाइंड मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एच मीन एच मीन का फॉर्मूला भी आपने ये पढ़ रखा है कि यू नॉट अपान गा वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन वन प्लस साइन फाइव होल स्क्वायर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंकाइन फॉर्मूला फॉर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सो विल कैलकुलेट डेप्थ फॉर दिस विकेट एच मिन इक्वल्स वन पॉइंट वन वन मीटर और से वन पॉइंट टू मीटर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉल इज वन पॉइंट टू मीटर सो विल प्रोवाइड वन पॉइंट टू मीटर डेप्थ सो वॉट विल बी द टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल द टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल बी फोर मीटर विच इज इट हैज टू रिटेन मीन्स चार मीटर इसको जमीन के ऊपर बनना रहेगा और इसकी फाउंडेशन जो है वन पॉइंट टू मीटर नीचे बनेगी जमीन में मीन्स टोटल हाइट ऑफ वॉल हो गई फाइव पॉइंट टू मीटर फाइव पॉइंट टू मीटर की वॉल हमें बनानी होगी इज इट क्लियर टू एवरी वन नाउ अब जो रिटेनिंग वॉल हमें बनानी है उसकी जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है सी एज वी नो रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरीके का होता है तो इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के साइज़ हम कैलकुलेट करेंगे अब कि किस है उसकी क्या साइज रखनी है सो मूविंग फर्दर वील मूव फॉर प्रिलिमरी डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल बेस विर्थ जो रिटेनिंग वॉल है हमारा उसकी बेस की विर्थ क्या होगी ये वर्थ जो कहे कहलाती है पूरी बेस विर्थ So the base width of the retaining wall as I have told you in my previous classes in theory classes. इट हैज बिन टॉट दैट इट वेरीज़ फ्राम जीरो पॉइंट फोर टाइम्स ऑफ कपिटल एच टू जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ कैपिटल एच मीन्स कैपिटल इज फा फाइव पॉइंट टू तो इसके बीच की वैल्यू कोई भी हम जीरो पॉइंट फोर टाइम्स ऑफ एच की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी और जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ एच की वैल्यू निकाल लो उसके बीच का कोई भी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर हमने क्या है कि इन दोनों की जो वैल्यू आई है उसका एवरेज वैल्यू ले लिया है टू पॉइंट एट मीटर आ रही है यू कैन चेक तो ये होगी हमारी बेस वर्थ जो कि हमें नीचे की वर्थ रखनी है 2.8 मीटर देन लेंथ ऑफ टो स्लैब जो आगे की तरफ जो प्रोजेक्शन था उसको टो स्लैब बोलते हैं एज यू नो इन थियोरी तो टो स्लैब हम कितनी रखते हैं पॉइंट थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉल बी टू पॉइंट फोर टाइम्स ऑफ स्मॉल बी तो ये कैलकुलेट कर लिया एट हंड्रेड फिफ्टी एम एम हमारी लेंथ ऑफ टो स्लैब आ गई मीन्स वॉट दिस एट हंड्रेड फिफ्टी एम एम एंड दिस कंप्लीट इज़ टू पॉइंट एट ये चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली

थिकनेस आ गई 500 हंड्रेड mm. नाउ जो ये स्टेम बनेगी इस स्टेम की थिकनेस सो एज वी नो थिकनेस ऑफ वर्टिकल और स्टेम इज गिवेन बाई एच बाई ट्वेल्व ऑफ द बेस सो वील कैलकुलेट इट हेयर इट इज सबसे पहले हम क्या करेंगे इस स्टेम पे लगने वाला जो बेंडिंग मोमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर दैट वी हैव टू नो कि इस पर कितना लोड एक्ट कर रहा है तो इस पर जो लोड एक्ट करेगा स्टेम पर वो इधर जो रिटेन किया हुआ सॉइल है उस सॉयल की वजह से जो भी लोड आ रहा होगा वो होगा तो ये सॉयल कितना लोड इस पर क्रिएट करेगा इसके लिए हमें सबसे पहले इस रिटेनिंग वॉल की टोटल हाइट को समझनी होगी कितनी है सो सी हेयर इन फिगर आई वॉन्ट टू शो यू ए फिगर ये सी हेयर एज वी हैव कैलकुलेटेड फोर मीटर हाइट गिवन थी क्वेश्चन में और हमने फाउंडेशन निकाल लिया इसका वन पॉइंट टू मीटर नीचे की तरफ एज़ यू कैन सी हेयर सो इधर के साइड से देखें हम तो जो हमें वॉल रिटेन करानी है तो यहाँ पर क्या होगा ये फोर मीटर है और ये पूरा वन पॉइंट टू मीटर है तो ये वाला पोर्सन और बचा हुआ कितना होगा ये पॉइंट फाइव मीटर है इसकी थिकनेस तो बचा हुआ पॉइंट सेवन हो गया यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो इसके ऊपर मिट्टी की होगी वो हो गई फोर ये वाली फोर ये प्लस यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट सेवन ये वन पॉइंट टू में से पॉइंट फाइव सब ट्रैक्ट तो विल गेट फोर पॉइंट सेवन एज दाइट एज यू कैन सी यहाँ पर जो दिखाया गया है ये हाइट फोर पॉइंट सेवन तो इस फोर पॉइंट सेवन पर जो सॉयल लग रहा होगा ये कुछ इस तरीके का पै, पैसिव अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर डेवलप करेगा जो कि स्ट्रैंगुलर फॉर्म में हम डिनोट करेंगे तो इसके फोर्स को कैलकुलेट करेंगे इट्स बेस विल बी के ए इंटू गामा इंटू एच और टोटल एरिया जो होगी वो होगी इसके टोटल लोड के बराबर सो so, इसकी बेस की वैल्यू कितनी होगी के इंटू गामा इंटू एच सो विल कैलकुलेट के वन बाई थ्री गामा एटीन गिवेन था एच हो गया फोर पॉइंट सेवन सो कि ये बेस की वैल्यू आ गई 28.2 एट के और हाइट है 4.7 तो टोटल हो गया हमारे पास जो टोटल फोर्स होगा ये पी ए होगा जो कि एच बाई थ्री पे लग रहा होगा तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा इस ट्राइंगल की एरिया इंटू ये एच बाई थ्री डिस्टेंस थ्री में बता चुका हूँ सो वन बाई टू इंटू के इंटू गामा इंटू एच वन बाई टू हो गया ये वन बाई टू इंटू बेस बेस इज केंसिडर मूवमेंट फ्रॉम हेयर सो दिस विल बी द बेंडिंग मूवमेंट नाउ अल्टीमेट मूवमेंट एट द बेस ऑफ द स्टीम इज वन हंड्रेड दिस इज टोटल बेंडिंग मूवमेंट वन हंड्रेड थ्री सो विल यूज इट एज फैक्टर्ड मूवमेंट बाई सेफ्टी सो विल गेट अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट फाइव पॉइंट सेवन फोर नाउ मूविंग फर्दर द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड कैन बी कैल्कुलेटेड बाई फार्मूला जो हमारे पास डी मिन का फार्मूला है ये वही फार्मूला एम यूक्ल जीरो पॉइंट वन थ्री एट सिग्मा सी के बी इंटू डी स्क्वायर वहाँ से हमने डी निकाल लिया यहाँ पे जीरो पॉइंट वन थ्री एट सिग्मा सी के को जो है यहाँ पर इसने वैल्यू रख के आर बी इससे डिनोट कर दिया आप अपने प्रीवियस वाले फार्मूले से ही जो डी डेप्थ के लिए हर जगह यूज करते आ रहे हैं नॉर्मल फार्मूला यूज करिए एंड फाइंड द डेप्थ इट इज सेम सो विल कैलकुलेट डेप्थ यहाँ से हमें डेप्थ मिला कि इतने बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए 238 हंड्रेड mm एट की डेप्थ रिक्वायर है इस स्टेम की मीन्स जो ये स्टेम बना रहे हैं इसकी डेप्थ जो है 238 यानी कि होनी चाहिए टू रेजिस्ट द गिन बेंडिंग मोवमेंट अब हमने क्या किया इसमें क्लियर कवर एड कर लिया सो वी हैव टेकन सिक्सटी एज द क्लियर कवर इन दिस सो द टोटल डेप्थ विल बिकम टू हंड्रेड एट्टी नाइन और से थ्री हंड्रेड अब और सेफ्टी के लिए हमने इसको थोड़ा सा और ओवरऑल राउंड ऑफ कर लिया और कंसिडर किया थ्री हंड्रेड फिफ्टी वी हैव कंसिडर कि हम जो स्टिम बनाएंगे उसको थ्री हंड्रेड फिफ्टी एम एम की थिकनेस प्रोवाइड करेंगे फॉर सेफ्टी रीजन थोड़ा सा और बढ़ा लिया सो so, सी वॉट हैपन्स जो हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसमें जो स्टेम बनेगी वो इस तरीके से थ्री हंड्रेड फिफ्टी एम एम की बनेगी अभी जो हमने थिकनेस निकाला बट एज़ वी नो इन कैंटी लिवर बेंडिंग मोमेंट इज़ मैक्सिमम एट द सपोर्ट कहाँ पर मैक्सीम होता है यहाँ पर और यहाँ पर मिनिमम या ज़ीरो होता है तो जैसा हम लोग कैंटिलीवर स्लैब में करते थे कि इस एंड पर थिकनेस कम कर दें और यहाँ पर जितनी नीडेड है उतनी प्रोवाइडेड रखें सो In the same way we can make it like this. मीन्स 350 यहाँ नीचे तो प्रोवाइड करेंगे ऊपर में थोड़ा थिकनेस कम कर दें यानी कि इतनी मटेरियल हमने सेव कर ली इतना मटेरियल कम लगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा हमारा वॉल भी और काम भी हो जाएगा इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट कम है सो इसलिए हम इसको एक रेक्टेंगुलर ना बना के ऐसे ट्रेपेजॉयडल शेप में प्रोवाइड करते हैं ऐसा एक रिक्टेंगल का शेप ना देके ऐसा शेप प्रोवाइड करते हैं ये शेप नहीं करते हैं प्रोवाइड ओके सो व्हाट विल डू जो डेप्थ हमारे पास 350 आई थी तो हमने क्या किया ऊपर की तरफ 150 हाफ के करीब रिड्यूस कर देते हैं 300 था तो 150 ऊपर की तरफ और नीचे साढ़े तीन प्रोवाइड कर दिया एज़ यू कैन सी हेयर यहाँ पर हमने पॉइंट मीटर प्रोवाइड कर दिया और नीचे की तरफ क्या किया साढ़े तीन सौ प्रोवाइड कर दिया न जो जी चीज़ें अभी तक हमने कैलकुलेट करी हैं उसको एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं फोर मीटर की ये हाइट रहेगी वन पॉइंट टू मीटर का फाउंडेशन होगा 2.8 मीटर की बेस होगी 0.5 मीटर इसकी थिकनेस होगी 0.85 पॉइंट टो स्लैब होगा तो अब यहाँ से हम हील स्लैब निकाल सकते हैं 0.85 का ये टो स्लैब प्लस 0.35 का ये स्टेम इन दोनों को ऐड करके 2.8 में से घटा दे तो क्या मिला वन सिक्स मीटर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की मिल गई तो ये डिस्टेंस मिल गया ये फोर पॉइंट सेवन हमने निकाल रखा था फाइव पॉइंट टू टोटल हो गया तो ये इस तरीके से हमने अपना रिटेनिंग वॉल शो कर दिया विथ ऑल डायमेंशनस जो अभी तक हमने कैलकुलेट किए थे कि वॉल इस साइज़ की बनेगी और ऐसी बनेगी थोड़ा सा ये इमेज टिल्टेड नज़र आ रहा है स्कैन करने में प्रॉब्लम की वजह से यू कैन कंसिडर दिस लाइक दिस ये वॉल स्ट्रेट होगी ये ऐसे होगा ये ऐसे कुछ इस तरीके का फिगर होता है मीन्स इसको अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर ये एक रिक्टेंगल होगा और ये एक ट्रायंगल होगा ठीक यू कैन सी यहाँ पे एक रिक्टेंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है ठीक इस तरीके का फिगर होता है ये यू कैन मेक इट सो so, यहाँ तक हमने क्या कर लिया हमने रिटेनिंग वॉल की प्रपोर्शनिंग कर ली कि किस साइज़ की वॉल बनेगी इसको रिटेन करने के लिए इतने अर्थ को रिटेन करने के लिए साइज़ ऑफ वॉल क्या रहेगा बेस स्लैब कितनी रहेगी हील स्लैब की साइज क्या होगी टो स्लैब कितना होगा और फाउंडेशन कितनी कह रही होगी ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली नाउ और नेक्स्ट थिंग इज टू डिजाइन इट इन आर सी सी मीन्स इसमें रिनफोर्समेंट कितना पड़ेगा रिनफोर्समेंट निकालने से पहले सबसे पहले हम इसके चेक्स करते हैं कि क्या ये स्टेबल है क्या स्टेबल है स्टेबल मीन्स वॉट हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है ओवर टर्निंग स्लाइडिंग और बेस में नीचे की तरफ धस जाना तो ये सारी जो हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्योरी में पढ़ी थी उनको पहले चेक करेंगे वन बाई वन सो मूविंग फर्दर अब इसके बाद हम क्या करते हैं एक इस तरीके का टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द टो एंड ओ एंड बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम टो एंड ओ यू कैन सी ये जो फिगर है हमारा इसमें ये हमारा टो एंड ओ है ये वाला एंड यहाँ पर तो यहाँ से हम सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेज इसमें एक्ट कर रहे हैं एक इधर का अर्थ प्रेशर होगा ये जिसको पी ए नेम देंगे दूसरा ये डब्लू वन यहाँ पर जो सॉयल है इस सॉयल की वजह से लोड डब्लू वन तीसरा ये जो रिक्टेंगुलर पोर्शन है स्टेम का इसकी वजह से डब्लू टू ट्राइंगुलर पोर्शन की वजह से डब्लू थ्री ठीक और इधर का ये तो ये सारी चीज़ें हम टेबल में कैलकुलेट करने वाले हैं वन बाई वन सो फर्स्ट थिंग इज ओवर टर्निंग फोर्स पी ए पी ए की वैल्यू वन बाई टू इंटू के गामा इंटू एच बेस बेस हाइट हाइट इज इज के गामा एच एच तो ये ओवर टर्निंग फोर्स ये फोर्स हमारा क्या करता है थ्योरी में हमने पढ़ा था इधर से लगने वाला फोर्स इसको ओवरटर्न कराता है तो इसकी वैल्यू आ गई एट्टी वन पॉइंट वन टू दिस इज ओवर टर्निंग फोर्स अब ये बेस से कितनी दूरी पर लग रहा होगा ओ तो से कितनी दूरी पर तो ओ से एच बाई थ्री दूरी पर एक बार फिर फिगर में देख सकते हैं आप यहाँ पर जस्ट क्लियर इट ये जो है इस बेस से h बाई थ्री टोटल h बाई थ्री डिस्टेंस पर लग रहा होगा हाइट बाई थ्री डिस्टेंस पर तो h बाई थ्री ऑफ 5.2 ये डिस्टेंस हो गया ये फोर्स हो गया इन दोनों का मल्टीपल हमें गिव करेगा बेंडिंग मोमेंट मींस 81.12 वन पॉइंट वन टू इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री थ्री जो भी है इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें ओवर टर्निंग मोवमेंट मिल गया नो वॉट विल डू नेक्स्ट विल कैलकुलेट दीज फोर्स डब्लू वन डब्लू टू एज एक्सप्लेन सो वेट ऑफ बैकफील्ड डब्लू वन वेट ऑफ बैकफील्ड डब्ल्यू वन क्या है ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला ये जो सॉइल इधर रिटेन की गई है इस सॉइल का वेट डब्लू वन जो नीचे की तरफ इस पर लग रहा होगा ये कितना होगा दिस विल बी इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स इंटू फोर पॉइंट सेवन इंटू एटीन सी ये वन पॉइंट सिक्स इंटू फोर पॉइंट सेवन ये रिक्टेंगल इंटू इसमें जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसमें सॉयल की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी एटीन सो वी गेट ऑल द स्लो डब्लू वन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ लग रहा होगा इस वन पॉइंट सिक्स के हाफ में होगा ना यहाँ पे ये डब्ल्यू वन इसके हाफ में वन पॉइंट सिक्स के और यहाँ से कितना होगा तो ये हाफ हो जाएगा इसका वन पॉइंट सिक्स का हाफ प्लस जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस जीरो पॉइंट एट फाइव सो यू कैन सी इन फिगर वही वैल्यू यहाँ पे टोटल में से जीरो टोटल में से वन पॉइंट सिक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहाँ से देखिए टोटल टू पॉइंट एट में से इसका हाफ इधर से सबट्रैक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले ली तो ये हो गया डिस्टेंस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया मोमेंट डब्ल्यू का देन वेट ऑफ स्टेम सो वेट ऑफ स्टेम हम देखेंगे दो पार्ट्स में वेट ऑफ स्टीम इज डिवाइडेड इन दिस रिक्टेंगुलर पोर्शन प्लस दिस ट्रेंगुलर पोर्शन तो ये W2 हो गया और ये W3 दोनों का वेट हम निकाल लेंगे और दोनों की डिस्टेंस भी निकाल लेंगे कि इस एंड से कितनी कितनी दूरी पर लग रहा होगा ये फोर्स सो रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया 0.15 ऊपर की थिकनेस थी इंटू हाइट टोटल 4.7 पॉइंट सेवन की डेंसिटी 25 क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी तो ये मिल गई हमें इतनी वैल्यू इसी तरीके से ट्रैंगुलर पोर्शन के लिए 1 बाई टू इंटू जीरो वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट तो बेस कितनी है हाइट है फोर पॉइंट सेवन डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट है ट्वेंटी फाइव बेस कितनी होगी तो बेस जो टोटल वर्थ थी उसमें से ये सब कर देंगे यहाँ देखिए टोटल जीरो पॉइंट थ्री फाइव था उसमें से ये ज़ीरो पॉइंट वन फाइव सब कर दिया जो बचा ये वाली बेस हो गई इसको ले लिया यहाँ पर और ये डब्लू टू निकाल लिया ना डब्लू वन और डब्लू टू की डिस्टेंसेज देख लेते हैं W1 की डिस्टेंस कितनी होगी सीन फिगर ये इसके सेंटर पे लग रहा होगा यहाँ पे कहीं है ना यहाँ इस 0.15 के हाफ पे तो ये हो जाएगा 0.85 पॉइंट एट फाइव प्लस ये बेस वाली वर्थ जुतनी तो है ये ये प्लस ये इसका हाफ़ 0.15 का हाफ तो ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं तो इस तरीके से निकाल लिया गया है ठीक फिर वर्थ ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन W2 W2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.85 ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और फिर इसका टू बाई थ्री ऑफ बेस तो ये कितना हो गया प्लस टू बाई थ्री ऑफ जीरो पॉइंट टू तो ये डिस्टेंस आ गई अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ मोमेंट मिल गया वेट ऑफ बेस स्लैब डब्लू थ्री जो हमारी बेस स्लैब है दिस बेस स्लैब इसका खुद का वेट जो होगा उसको निकाल लेंगे तो इसका खुद का वेट जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट एट इंटू ट्वेंटी फाइव सी जीरो पॉइंट फाइव ये साइज़ है और ये साइज टू पॉइंट एट तो दोनों को मल्टीप्लाई किया क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट ट्वेंटी फाइव तो ये मिल गई हमें वेट ऑफ बेसलैब डब्लू थ्री नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट्स डिस्टेंस की ये वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा ये इसके सेंटर टू पॉइंट एट के हाफ में तो एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर ये डब्ल्यू थ्री तो ये कितना हो गया टू पॉइंट एट बाई टू ये हो गया वन पॉइंट फोर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमें मिल गया ये टोटल लोड अब क्या है ये टोटल फोर्सेस मिला के सिग्मा डब्ल्यू हो गई इन सारे का सम हो गया सिग्मा डब्लू रिजल्टेंट फोर्स और इन सारे मोमेंट का सम हो गया सिग्मा एम आर अब ये क्या है ये इसके खुद के वेट की वजह से लगने वाला मोमेंट है ना तो जो खुद के वेट की वजह से लगने वाला मोमेंट है उसको हमने क्या बोला था थ्योरी में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बताया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग से तो वो ओवर नहीं करेगा इसके लिए एक जीरो पॉइंट नाइन करके स्टेबिलिटी में फार्मूला भी बताया था जिसको आगे देखेंगे अब क्या है ज़रा देखते हैं इस चीज़ को एक बार और फिर से ये जो डब्लू वन है डब्लू टू है डब्लू थ्री है और ये डब्लू है इन सबका एक रिजल्टेंट वीट हम मान सकते हैं कि W जो ये फिगर में दिख रहा है सिग्मा W ये कहीं एक्ट कर रहा होगा इन सभी का रिजल्टेंट W जो है सिग्मा W नीचे की ओर कहीं एक्ट कर रहा होगा जिसको हमने ऐसे फिगर में बनाया कि ये सिग्मा W है इधर से जो पी ए था ओवर टर्निंग फोर्स पी ए इधर की ओर एक्ट कर रहा होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर कुछ इस डायरेक्शन में होगा मीन्स दो फोर्सेज अगर हमारे पास है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आर आएगा ना तो ये आर है तो ये इन दोनों फोर्सेस का पी ए फोर्स का और डाउनवर्ड फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो आर है वो कहाँ से होके जा रहा होगा ये चेक करते हैं टू थर्ड रूल जो मैंने बताया था टू थर्ड रूल क्या था कि जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसके वन थर्ड वन थर्ड और ये वन थर्ड तो इस बीच में ही ये आर जानी चाहिए तब तो वो सेफ है ओवरटर्न नहीं करेगा पलटेगा नहीं ये बताया था थ्योरी में मैंने सो विल सी हमने क्या किया हमने ये फिगर बना लिया टू इक्वल्स फिगर में अभी निकाला था हमने 199.73 हंड्रेड नाइन सिग्मा डब्ल्यू हो गया लेट इट एक्ट एट ए डिस्टेंस एक्स बार फ्रॉम जो एंड था एंड से एक्स बार दूरी पर ये एक्ट कर रहा होगा मान लिया हमने सिग्मा डब्ल्यू ठीक है तो वी कैन राइट ना सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स बार इक्वल्स ये 210.49 लिख सकते हैं ना हम सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स बार जो होगा वो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा यम आर माइनस एमओ एम आर माइनस एम ओ की वैल्यू टू हंड्रेड टेन पॉइंट फोर नाइन तो जो सिग्मा डब्ल्यू हमें मिल रहा था ये सिग्मा डब्लू इंटू एक्स बार होगा वो नेट रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा यानी कि हम लिख सकते हैं वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंटू एक्स बार इक्वल्स टू हंड्रेड टेन पॉइंट फोर नाइन तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमने एक्स बार निकाला विच इज़ वन पॉइंट जीरो फाइव 1.05 जब एक्स बार हमें मिल गई तो टोटल ये कितना था वन टू पॉइंट एट और ये हाफ है 1.4 तो ये ई निकल सकती है जीरो पॉइंट थ्री फाइव विच लाइन टू थर्ड ऑफ दिस वन थर्ड और वन थर्ड इधर से छोड़ के बीच में लाई कर रही है इट मीन्स मिडिल थर्ड रूल जो है फॉलो हो रहा है इट इज़ ओके ये एक चेक था जो कि किया जाता है जस्ट टू चेक कि ओवर टर्निंग तो नहीं हो रही है सो ओवर टर्निंग नहीं हो रही है मिडिल थर्ड में ही लग रहा है टू बाई एट का टू पॉइंट एट का वन थर्ड में ही है ये नो अब देखिए क्या है जब हमने ये टेबल बना लिया देन उसके बाद कुछ चेक्स मैंने बताए थे स्टेबिलिटी चेक्स थीरी में अब उनको करते हैं क्या करेंगे हम विल गो फॉर चेकिंग ओवर टर्निंग ओवर टर्निंग में हम क्या करते हैं जीरो पॉइंट नाइन टाइम्स ऑफ एम आर अपॉन एमओ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर ये थेरी में पढ़ा था तो इसको अप्लाई करेंगे एम आर हमारे पास यहाँ गिवन है एमओ ऊपर निकाला था जो दोनों को रख के वैल्यू निकाला टू पॉइंट टू आया वी सी इट इज़ ग्रेटर देन वन पॉइंट फोर हैंस इट इज़ ओके ओवर टर्निंग नहीं होगी नेक्स्ट इज स्लाइडिंग स्लाइडिंग तो नहीं होगी हमारे वॉल की ये चेक करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था जीरो पॉइंट नाइन एफ आर अपॉन एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर सो सी क्या हुआ यहाँ पर एफ आर की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ़ सिग्मा डब्ल्यू म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 0.45 और सिग्मा डब्ल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाला है टेबल में सो वी कैलकुलेट एफ आर एंड एफ एस इक्वल्स टू पी एच एफ एस जो होगा वो पी एच के बराबर होगा सो पी एच की वैल्यू यहाँ पर टेबल में निकाली है हमने एटी वन पॉइंट वन टू सो so, यहाँ से हमने इसको भी चेक कर लिया अब यहाँ पर ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 1.4 होना चाहिए था बट लेस देन 1.4 आया है तो यहाँ पर ये स्लाइडिंग का रिस्क है ये जो वॉल हम बना रहे हैं ये स्लाइड कर जाएगी सेफ नहीं है ना वॉट विल डू पूरी मेहनत बेकार इतनी डिजाइनिंग खराब हो गई क्या नो वी हैव स्टडीड कि हम क्या करेंगे इसमें शीयर वॉल प्रोवाइड करेंगे हेंस विल प्रोवाइड शेयर की इन दिस टू रेजिस्ट ओके okay? तो ये यहां पर हमने लिख दिया कि हम एक सीयर वॉल इसमें प्रोवाइड करेंगे नाउ मूविंग फर्दर बेस प्रेशर एज वी नो पी मैक्स और पी मिन का फार्मूला मैंने पढ़ाया था ये तो हम बेस प्रेशर निकाल लेंगे इन फॉर्मूले से पी मैक्स इक्वल सिग्मा डब्ल्यू अपॉन बी वन प्लस सिक्स ई अपॉन बी एंड पी मिन सिकमा डब्ल्यू अपॉन बी वन माइनस सिक्स ई अपॉन बी क्या था ये थ्योरी में बताया था कि जो हमारी रिटेनिंग वॉल है इसके नीचे जो प्रेशर है कुछ इस तरीके से डेवलप होगा ये पी मिन होगा ये पी मैक्स होगा पी मिन शुड नॉट बी निगेटिव हेयर आई हैव टोल्ड यू तो यहाँ हमने जैसे ही वैल्यूज रखे इसको देख लीजिए वैल्यू रख के जैसे ही पी मैक्स निकाला पी मैक्स की वैल्यू जो है हमारे बियरिंग कैपेसिटी से कम है मीन्स ये सेटल डाउन नहीं होगा फर्स्ट कंडीशन वॉज एक्सप्लेन इन थियोरी कि ये पी मैक्स बियरिंग कैपेसिटी से कम होनी चाहिए सो हेंस इट इज लेस देन बियरिंग कैपेसिटी हैंस ओके और पी मिन निगेटिव नहीं होना चाहिए तो निगेटिव नहीं है पॉजिटिव हेंस इट इज सेफ तो यहाँ तक हो गया हमारा स्टेबिलिटी चेक ऑफ रिटेनिंग वॉल इसके बाद है आर सी सी की डिज़ाइन मीन्स अब इसमें कितने हमें हर पार्ट में रिटेनिंग वॉल के कितना कितना यहाँ पर कितना ए एस टी प्रोवाइड करना है इधर कितना इधर कितना, कितना ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे Hope you all have understood all the things of this video. Complete the numerical till here so that we can continue it further in the next lecture. Okay? This numerical will be continued in the next lecture so that it will be completed. Hope you all understand it. So do like, subscribe, and share this video. Thank you so much.